तो हेलो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति ब्रेजा के ZXi वेरिएंट को किया सोनेट के HTX वेरिएंट से और देखते हैं किस गाड़ी में बेहतर पैकेज मिल जाता है और आपको किस गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए। इन दोनों गाड़ियों के पर्टिकुलरली इन्हीं वेरिएंट को मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि इनकी जो प्राइस है वो लगभग सिमिलर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो ब्रेजा की लेंथ है 3995 mm जो कि सोनेट के लेंथ के बराबर है। इसकी विड्थ है 1790 mm जो कि सोनेट के लेंथ के बराबर है। ब्रेजा की हाइट है 1685 mm जो कि 43 mm ज़्यादा है सोनेट की हाइट से। इसका व्हील बेस है 2500 mm जो कि सोनेट के व्हील बेस के बराबर है। भले ही ऑन पेपर आपको ये दोनों गाड़ियाँ बराबर दिख रही हो सिवाय ब्रेजा थोड़ी लंबी है सोनेट से, लेकिन रियर लाइफ कैबिन स्पेस की बात की तो भले ही इन दोनों गाड़ियों की फ्रंट कैबिन में बराबर स्पेस मिलती हो लेकिन रियर कैबिन में ब्रेजा में आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। बूट स्पेस की बात की जाए तो ब्रेजा में 328 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है जो कि 64 लीटर का में सोनेट में मिलने वाली 392 लीटर की बूट स्पेस है। टायर्स आपको इन दोनों गाड़ियों में 16 इंच के मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो ब्रेजा में 48 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है जो कि 3 लीटर बड़ा है सोनेट के फ्यूल टैंक से। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो ब्रेजा में 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है जो कि 7 mm का में सोनेट की 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डू कंसीडर टू सब्सक्राइब अवर चैनल क्योंकि आप में से काफ़ी कम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो अगर आप करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए आप कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस को। तो ब्रेजा में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिल पाता है जबकि सोनेट में पेट्रोल इंजन के साथ साथ डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आज हम इन दोनों गाड़ियों के सिर्फ पेट्रोल इंजन को ही कंपेयर करने वाले हैं। तो ब्रेजा में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 101 bhp की पावर और 137 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। इसमें 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर हम इस इंजन को कंपेयर करें सोनेट के 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से तो ब्रेजा का इंजन 17 bhp लेस पावर और 35 Nm कम टॉर्क जनरेट करती है। बाकी सोनेट में आपको 6-speed IMTA ट्रांसमिशन के साथ साथ 7-speed DCT ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि ब्रेजा के टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से ज़्यादा पावरफुल और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है। अगर इन दोनों गाड़ियों की माइलेज को देखें तो ब्रेजा में 19.89 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है जो कि 1.59 kmpl ज़्यादा है सोनेट के 18.3 kmpl के माइलेज से। तो चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले उन सेफ्टी फीचर्स को देखते हैं जो कि आपको ब्रेजा के ZXi वेरिएंट में मिल जाते हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर फिट फोर्स लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, हिल स्टार्ट असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और वही दूसरी और सोनेट के HTX वेरिएंट में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, 4 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद फोर्स लिमिटर, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ब्रेक असिस्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ब्रेजा की ओल्ड जनरेशन विटारा ब्रेजा का क्रैश टेस्ट किया गया था जिसमें कि उसने 4 स्टार की अच्छी रेटिंग स्कोर की थी और अभी भी विटारा ब्रेजा के प्लेटफॉर्म पर न्यू ब्रेजा आती है तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि नई ब्रेजा भी 4 स्टार की रेटिंग ला सकती है। जबकि सोनेट किया की गाड़ी है और किया की बाकी गाड़ियां जैसे कि कैरेंस और सेल्टोस ने बेकार स्कोर किया है ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में। तो सेफ्टी फीचर्स के मामले में सोनेट आगे और बिल्ड क्वालिटी में ब्रेजा। तो चलिए आप इसी तरह इन दोनों गाड़ियों के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन फीचर्स को देखते हैं जो कि आपको ब्रेजा ZXi में मिलते लेकिन सोनेट HTX में नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि रियर वाइपर एंड वॉशर, 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। सोनेट में आपको टिल्ट स्टीयरिंग ही मिल पाती है, डुअल टोन रूफ कलर एज ऑप्शन, को ड्राइवर वैनिटी लैंप, फ्रंट फुटवेयर इल्यूमिनेशन और लगेज लैंप जैसे फीचर्स आपको सोनेट HTX में नहीं मिल पाते जो कि ब्रेजा ZXi में मिल जाते हैं। तो चलिए अब उन फीचर्स को देखते हैं जो कि आपको सोनेट के HTX वेरिएंट में मिल जाते हैं लेकिन ब्रेजा ZXi में नहीं मिल पाते हैं। ब्लैक एंड बेज इंटीरियर, ब्रेजा में ब्लैक एंड ब्राउन कलर का इंटीरियर मिल जाता है। सेमी लेदरेड सीट्स, ब्रेजा में फैब्रिक सीट्स ही मिल पाती है। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, गियर नॉब एंड डोर आर्मरेस्ट, ब्रेजा के स्टीयरिंग और गियर नॉब पर आपको लेदर फिनिश नहीं मिल पाती, बाकी आर्मरेस्ट पर फैब्रिक मिल जाता है। 8-inch टचस्क्रीन विद वायरलेस फोन प्रोटेक्शन, ब्रेजा में आपको 7-inch की टचस्क्रीन मिल पाती है विद वायर्ड फोन प्रोटेक्शन। डायमंड कट एलॉय व्हील्स, ब्रेजा में आपको ब्लैक पेंटेड एलॉयस मिल जाती है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्रेजा में आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल पाता है। सोनेट के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, इको सिटी और स्पोर्ट मिल जाते हैं और इन फीचर्स के अलावा ऑटो हेडलैम्प्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, रिमोट इंजन स्टार्ट, रियर डोर सनशेड कर्टेन, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प और पैसेंजर सीट बैक पॉकेट जैसे फीचर्स आपको सोनेट HTX में मिल जाते हैं लेकिन ब्रेजा ZXi में नहीं मिल पाते हैं।
वारंटी ऑफर की बात की जाए तो ब्रेजा में बेकार 2 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक का ही वारंटी मिल जाता है, जबकि सोनेट में बेहतर 3 ईयर या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। तो आखिर में आप कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस को, तो ब्रेजा मैनुअल आपको 10.86 लाख रुपीज़ की मिल जाती है, जबकि ऑटोमेटिक 12.36 लाख रुपीज़ का। और दूसरी तरफ सोनेट IMT आपको 10.95 लाख रुपीज़ का मिल जाता है, जबकि DCT ऑटोमेटिक 11.55 लाख रुपीज़ का। यानी कि ब्रेजा का मैनुअल ट्रांसमिशन सोनेट के IMT से 9,000 रुपये सस्ता है, जबकि ब्रेजा ऑटोमेटिक सोनेट DCT से 81,000 रुपीज़ महंगा है। तो चलिए अब बात करें थी कि आपको किस गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए। जो लोग इन दोनों गाड़ियों में से ऑटोमेटिक लेने वाले हैं उनके लिए रास्ता क्लियर है सोनेट, क्योंकि सोनेट ब्रेजा से 81,000 रुपीज़ सस्ती है और सोनेट में बेहतर फीचर्स भी मिल जाते हैं। अब मेन कन्फ्यूजन आता है मैनुअल लेने वाले को, क्योंकि ब्रेजा में प्रॉपर मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, जबकि सोनेट में इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, यानी कि वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरह काम करता है। इस मामले में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सोनेट को प्रेफर करें, क्योंकि 9,000 रुपये ज़्यादा स्पेंड करके आपको IMT ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा फीचर्स भी मिल जाते हैं दोनों कम्फर्ट एंड सेफ्टी के। लेकिन हाँ, अगर आप फीचर्स से ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी और माइलेज को प्रेफरेंस देते हैं तो आप ब्रेजा को कंसीडर कर सकते हैं। तो यही था ब्रेजा ZXI और सोनेट HTX का एक कंपैरिजन। आप इन दोनों गाड़ियों में से किस गाड़ी को प्रेफर करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच।